Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Nikhil Thakur from Union Territory, Chandigarh. Ye problem differential calculus ki hai. Differentiate y is equal to sine hyperbolic x plus x to the power cos hyperbolic x with respect to x. तो इस problem को solve करने के लिए हमें क्योंकि variable की power variable है दोनों ही terms में इसलिए ये log लेना होगा लेकिन बीच में plus का sign या minus का sign होगा तो log यहाँ पर पूरे पर तो useful नहीं रहेगा तो इसलिए हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा तो इस value को हमने by 1 consider कर लिया इसको by 2 मान लिया अगर हम अब y को differentiate करेंगे with respect to x तो left में dy को dx मिलेगा right में by 1 का x के respect में differentiation और y का by 2 का x के respect में differentiation अगर हमने इन दोनों की value को find कर लिया तो हम से जो पूछा गया है dy को dx वो हमको मिल जाएगा तो इसको equation number 1 डाल दिया equation number 1 के लिए हम इस value को find करेंगे इस value को find करेंगे तो by 1 जिसको हमने माना है ये value x to the power sin hyperbolic x दोनों साइड log लेंगे log का क्या फायदा मिलेगा कि जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है इनटू log इस तरीके से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं तो पूरे इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होगा ये y1 लेकिन चूंकि x नहीं है इसलिए इस y1 को दोबारा से हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन as it differentiation of second yani log x plus difference second function as it differentiation of first second yani yahan par apply kar diya to sin hyperbolic x into or log x ka differentiation hum log jante hain 1 upon x hota hai plus log x aur yahan par sin hyperbolic ka differentiation cos hyperbolic x hota hai हमने अपने पास वैल्यू आई है 1 अपॉन y1 इनटू dy1 ओवर dx जबकि हमको चाहिए dy1 ओवर dx की वैल्यू ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकें तो इसके लिए हम y1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में तो ऊपर हमारे पास दिख रहा है ये sin hyperbolic x अपॉन x है प्लस log of x into cos hyperbolic x by 1 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो इस तरीके से dy1 over dx की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी by 1 की वैल्यू पुट करेंगे x टू द पावर sin hyperbolic x है उसके बाद जो भी टर्म था फैक्टर था उसको लिख रहे हैं हम लोग sin hyperbolic x अपॉन x प्लस log of x into cos hyperbolic x इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 भी डाल सकते हैं ताकि इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू जाके पुट कर दें अब हम लोगों ने by 2 को कंसीडर किया था x टू द पावर cos hyperbolic x अब इसमें भी हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नजर आ रही है तो log ले लेनी चाहिए दोनों साइड log ले लेंगे यानी log y2 हो जाएगा इस तरफ और राइट हैंड साइड में log x टू द पावर cos hyperbolic x या वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है और log लिया तो पावर log में आगे मल्टीप्लाई कर जाती है तो ये वैल्यू हो जाएगी cos hyperbolic x into log x और लेफ्ट हैंड साइड में log y2 है अब x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन y2 हो जाएगा log y2 का और चूंकि x नहीं है इसलिए दोबारा से y2 का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा यहां पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इसमें किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी भी फंक्शन को सेकंड माना जा सकता है और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको फर्स्ट फंक्शन का यानी cos hyperbolic x का cos hyperbolic x log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x हो जाएगा प्लस log x into और ये cos hyperbolic x का डिफरेंशिएशन sin hyperbolic होता है ध्यान रहे कि hyperbolic फंक्शन है ये हमारा सर्कुलर फंक्शन होता तो cos का माइनस होता लेकिन यहां पर प्लस का ही sin hyperbolic x आएगा हमारे पास ये वैल्यू मिली है 1 upon by 2 into dy2 over dx हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना है तो y2 को राइट में पहुंचाएंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy2 over dx की वैल्यू हो जाएगी by 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया cos का 1 में इनटू हो जाएगा तो cos hyperbolic x अपॉन x हो जाएगा प्लस log of x into sin
हाइपरबोलिक एक्स। बाई टू की अब वैल्यू जो हम लोगों ने कंसीडर की थी राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स टू द पावर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर इसको होगा थ्री डाल दें, तो इन दो इक्वेशन नंबर टू और थ्री से वैल्यू वन में रखने पर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन